थाने महानगर पालिका क्षेत्र में पिछले 3 दिन से काफी भारी बारिश हो रही है। तो थाने की जो भौगोलिक परिस्थिति है, एक तरफ पहाड़ है, दूसरी तरफ खाड़ी है, और यहाँ पे अगर एक घंटे में 40-45 मिलीमीटर के ऊपर बारिश होती है तो हमारे जो लो लाइंग एरियाज हैं उनमें कुछ देर के लिए वाटर लॉगिंग होती है। तो हमारी थाने महानगर पालिका की पूरी यंत्रणा सतर्क है, सब लोग फील्ड पे हैं, सारे असिस्टेंट कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर, फायर ब्रिगेड, पूरी यंत्रणा हमारी इस समय फील्ड पे है। 2 दिन में कुछ पेड़ गिरने की घटनाएं हुई हैं, वाटर लॉगिंग की घटनाएं हुई हैं, और उसको हमने सबको तुरंत अटेंड भी किया है। कल भी रेड अलर्ट घोषित हुआ है थाने में, तो ऐसे में मैं थाने महानगर पालिका क्षेत्र के सब सर्वसामान्य नागरिकों से, थाने महानगर पालिका की तरफ से अपील करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से कोरोना की लड़ाई में सब नागरिकों ने बिना कारण घर से बाहर निकलना टाला और हमारे साथ सहकार्य किया, इसी तरह कम से कम जब तक रेड अलर्ट है तब तक बिना कारण घर से बाहर ना निकलें, अपने घर में ही रहें, बहुत जरूरत हो तभी बाहर निकलें, जिससे कि बारिश के कारण होने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं उनको फेस ना करना पड़े। और जब तक ये रेड अलर्ट है तब तक हमें थोड़ी सावधानी एहतियात बरतनी होगी। और इसके अलावा कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो तो हमारा सेंट्रल कंट्रोल रूम भी शुरू है 24/7, वार्ड लेवल कंट्रोल रूम्स भी हमारे सारे शुरू हैं, तो हमें तुरंत आप उसकी इन्फॉर्मेशन दें, हम तुरंत उसके लिए रिस्पॉन्ड करेंगे 24/7। और एक बार फिर से मैं कहना चाहूंगा कि थाने महानगर पालिका प्रशासन पूरी तरह से बारिश से निपटने के लिए सज्ज है। आप हमारी इतनी जरूर मदद करें कि बिना कारण घर से बाहर ना निकलें और हम लोग मिलके ये जो 1-2 दिन रेड अलर्ट के हैं इसको हम टॉलरेट करेंगे और ये भी समय निकल जाएगा, और हम पूरी तरह से मुस्तैद हैं और आपकी मदद के लिए तत्पर हैं।